अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एलोवेरा से स्किन ट्रीटमेंट बताऊंगी आज। तो उससे पहले कि वीडियो में आगे चलें, सब्सक्राइब कर दें जल्दी से चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बर वक्त यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा जेल जो होती है ना, स्किन को ग्लोइंग बनाती है, स्पॉटलेस बनाती है और स्किन को स्मूथ बनाती है और जो पोर्स होते हैं उन्हें टाइट करती है और एक्ने को भी ख़त्म करती है। बहुत ही अच्छी, इसके फ़ायदे में वीडियो में बता चुकी हूँ और अब मैं इसका आपको ज़बरदस्त सा ट्रीटमेंट बताऊँगी। तो उसके लिए हम लेंगे एक बॉल, उसमें लेंगे एलोवेरा जेल। इसके लिए हम लेंगे एक स्पून एलोवेरा जेल का, ठीक है। ये हमने एक बॉल में निकाल लेनी है एक स्पून। एलोवेरा स्किन पे से पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करती है, डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म करती है और इस स्किन को ग्लोइंग और स्पॉटलेस बनाती है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ग्लिसरीन का। ग्लिसरीन ये मेडिकेटेड मैंने ली है, ये स्किन को ग्लोइंग बनाती है। इसके जब हम एलोवेरा में डालेंगे तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, स्किन को स्पॉटलेस ग्लोइंग बनाती है ये। तो इस तरह से हमने तकरीबन एक स्पून एलोवेरा जेल में हमने तकरीबन 1/4 ग्लिसरीन का ऐड कर दें, ठीक है, इस तरह से। और ग्लिसरीन जो बहुत ही अच्छी होती है, स्किन को सॉफ्ट और मुलायम बनाती है। इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है साथ के साथ। अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे ना आलमंड ऑयल का, ठीक है। आलमंड ऑयल में बादाम में बहुत ज़्यादा विटामिन ई होते हैं और विटामिन ई स्किन को स्मूथ बनाता है, एंटी एजिंग के तौर पे काम करता है और डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म करता है, स्किन को टाइट और ब्राइट बनाता है, पिगमेंटेशन को भी ख़त्म करता है। तो हम मैंने मरहबा का लिया, आप किसी का भी ले सकते हैं ब्रांड का। तो इस तरह से हमने तकरीबन इसमें 1/4 इसका बादाम ऑयल का ऐड करना है, ठीक है। इस तरह से हमने 1/4 ऐड कर दिया इसका बादाम ऑयल का और इनको अच्छी तरीके से अब हम मिक्स करेंगे ताकि एक क्रीमी टेक्सचर में आ जाएगा। ये देख सकते हैं किस तरह से एक क्रीमी टेक्सचर में ये आ गया है। अच्छी तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, ये क्रीमी टेक्सचर में आ गई है एलोवेरा जेल का जो हमने बनाया है क्रीम, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने लेना है, इसका मसाज करना है तकरीबन 10 मिनट तक लेके इससे, और अच्छी तरीके से हमें मसाज करना है। नाइट टाइम करना है तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये डैमेज स्किन को भी ठीक करती है और स्किन जो रेड हो जाती है ना उसको भी ठीक करती है, हील करती है। तो बहुत ही अच्छा, स्किन रेडनेस को ख़त्म करती है, स्किन को ग्लोइंग और स्मूथ बनाएगी। इस तरह इसको अच्छी तरीके से लेके जस्ट करने स्किन पे तो ये बहुत ही अच्छा ग्लो करती है स्किन को और ब्राइट करती है। इसको नाइट टाइम लगा के सो जाएं और सुबह अच्छे तरीके से धो लें तो ये रिंकल्स को भी ख़त्म करेगी, स्किन को ब्राइट और ग्लोइंग बनाएगी, डार्क स्पॉट्स को भी ख़त्म करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा स्किन को ट्रीट करेगी। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई होप कि आपको ये पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो आप इसे कंटेनर में सेव करके रख सकते हैं क्रीम को, 2 से 3 दिन ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट हैं, आपको पसंद आएगा। पसंद है लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।